गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो इस ट्रिप की गहराई थी वो इसी एपिसोड में छिपी हुई है, और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और जो मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि इस फैमिली से यहाँ की फैमिली से मिलवाऊंगा, तो वो ब्लॉग के एंड में मिलाऊंगा। फिलहाल लोग निकलते क्योंकि टाइम हो रहा है, 11 बज गए ऑलरेडी, लेट हो चुका है और साइकिल बाहर खड़ी हुई है, तो निकलते हैं जल्दी से और ट्रिप इंजॉय करना। तो चीता को बाहर निकालते हैं। So, निकलते हैं। So, यहां से निकल गए हैं। ओके, जो सेकेंड एपिसोड में ना कुछ कुछ वीडियो से रोड की बन रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। इस साइड नहर ही बीच में हम हैं और सामने वादियाँ हैं। चल रहे हैं धीरे धीरे, मज़े आ रहे हैं। निकल गए टाइम से, अच्छा हुआ, वरना लेट पे लेट हो रहा था सुबह से। वाह भाई, भाई ब्रेक कर दोगे? थोड़ी ब्रेक टाइट करवानी है, नहीं होगी। थोड़े से ब्रेक लूज हो गए थे तो ब्रेक टाइट करवाई थी। चलते हैं, अब ऑल सेट है सारा मामला। तो दोबारा ब्रेक जहाँ से अभी ठीक करवाए थे वहाँ से ठीक नहीं हो पाए, अभी दोबारा चेक करवाएं, अब ठीक चल रहे हैं। तो क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है, इसलिए भाई करवाना भी ज़रूरी था। और सामने देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वादियों में आ चुके हैं, मतलब प्रस्थान कर चुका है। और हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो एक टेंपल है, तो ये ब्रिज अच्छा सा लग रहा है देखने में भी, पर ऊपर चढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं है। ओहो, मतलब मज़े भी आ रहे हैं पर चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं, क्या कर जाए। हम हैं, हमारी चीता है, सौरभ भाई है और वादियाँ हैं, और क्या चाहिए तुम्हें दोस्तों। बाकी आराम आराम से चलेंगे धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बस नज़ारे ही नज़ारे मिलते जाएंगे रास्ते में। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वाह, देख रहे हो मतलब नज़ारे, बीच में रोड है, हम है, हमारा चीता है, साइड में जंगल ही जंगल है और मज़े आ रहे हैं। ओहो, तो सौरभ भाई से पूछ लिया जाएगा पहले कैसा लग रहा है। सौरभ भाई फीलिंग बताते हुए अपनी, बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा तेज बोले, आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जबरदस्त। ओके, ओह थोड़ा चढ़ाई आ चुकी है वापस से। टेम्पो बना दिया गया है साइकिल। सामने एक गहराई और आ चुकी है, अबे क्या? चढ़ाई बहुत है।
वो सामने एक बोर्ड दिख रहा है, कॉर्बेट सनराइज रिसोर्ट। अब सामने वो बोर्ड दिख रहा है रेड ग्रीन कलर का, हनुमान धाम 1.5 किलोमीटर। अभी और है, ओह मौत खराब है। गांव जैसा इलाका आ गया, ऐसा लग रहा है मंदिर किसी गांव के बीच बसा हुआ है, ऐसा कुछ प्रतीत। तो जिस सिटी में हम आए हुए हैं अभी भी यहाँ पे उसकी लोकेशन ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है, और जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वो भी खुली हुई है। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ वहाँ। हनुमान धाम 500 MTR, मतलब 500 मीटर और कितना चलवाओगे भैया। चलिए अंदर ले ली जाए। सिंपल रास्ता है, छोटा मोटा रास्ता है, दोनों तरफ आम लीची के बगीचे दे दिए गए हैं। तो इधर किसी चीज़ का रिव्यू करो तो मेरी ऐसी आवाज़ निकलती है। ओ वाह कितना मस्त लग रहा है ना। तो यहाँ से देखने में मस्त लग रहा है मंदिर, और सुंदरता कुछ और है। मतलब सामने दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, पर मुझे देखने लग गया है। लोगों की भीड़ भी दिख रही है सामने, पर यहाँ साइकिल का कैसा सीन किया जाए समझ में नहीं आ रहा। पहुँच तो गए, सबसे बड़ी बात साइकिल कहाँ लगाए, देखते हैं। तो शॉप वाले अंकल ने मदद कर दी थोड़ा, उन्होंने बोला यहाँ पे लगा लो। कोई दिक्कत तो नहीं ना अंकल यहाँ पे? ठीक। तो साइकिल हमने यहाँ पार्क कर दी है, बाकी अब जा रहे हैं अभी प्रसाद लेने। तो अंदर चलते हैं यहाँ पे, बाहर बाहर से बैठे हैं बाकी।
तो फिलहाल भंडारे में शामिल होते हैं, साथ ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे यहाँ से। मज़े तो सब कुछ हो चुका है और वक्त मिलेगा दोबारा आएंगे, दोबारा ऐसी राइड की जाएगी वहाँ की। रामनगर तो आना जाना रहता ही है वैसे ही हमारा, तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। बाकी सब बढ़िया है, मजे करो, रोज़ करो, ना मिले तो सोच करो। सो फाइनली जिसके लिए हम आए थे वो प्रस्तुत हुआ, दर्शन हुए, मज़ा आ गए और वापस चलने का टाइम आ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज़ से भी आओ, जब हम साइकिल से आ चुके हैं तो आप अंदाज़ा लगा चुके हो कि आप किसी चीज़ से भी आ सकते हो। तो लंबे सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं रामनगर। तो जिस जगह के लिए हम आए थे वो एपिसोड भी आज सक्सेस हो चुका है और जहां हम रुके हुए हैं वो हमारे नानी का घर है, क्योंकि सबसे पहले ट्रिप में ज़रूरत होती है आप कहाँ रुक रहे हो। तो हम रुके हुए अपने नानी के घर और फिर दूसरी चीज़ खाना, जो खाना मिलता है वो हमें मिलता है भोजन माता से, जो हमारी नानी जी हैं तो मिलवाते हैं। तो यहाँ तो हम रहे थे और दूसरी चीज़ जो भोजन माता हैं जो हमें खाना दे रही थी, नानी के द्वारा मिल रहा था हमें खाना। अब नानी से पूछा जाएगा कि नानी को हमारे साथ कैसा लगा कुछ दिनों में हम जितने दिन यहाँ रहे। हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि अभी भी तुम जितने दिन रह सकते हो रह लो। ठीक है नानी, ये बात आप दोबारा बोले। हाँ बोलो दोबारा। फिर तुम्हारा आने से हमको बहुत अच्छा लगा और हम तो कहते हैं तुम बार बार आए करो, हमारा भी मन रहेगा, कुछ हम भी तुम्हारे साथ। हाँ हंसते खेलते रहेंगे और टाइम बिताएंगे। हाँ, और नानी को भी कुछ चीज़ें नहीं देखने का मौका मिलेगा हमारे साथ रह के। हाँ। तो ऐसे ऐसे काम किया करो दोस्तों अपनी नानी अपने परिवार के साथ। हाँ। सही है, अच्छी ढंग से प्यास है और घूमने का मन करे तो घूमो फिरो देखो भालो खाओ पियो रेस्ट करो। और कुछ और बाकी क्या कह सकते हैं, जब टाइम रहेगा तो फिर दोबारा आया करो। ठीक है, बड़ों की सहारा लेनी चाहिए और बाकी। सो अगर देखते कोई अभी नेक्स्ट अच्छी लोकेशन मिल रही है तो रुकेंगे, वरना हम कल निकल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चल ही जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे जो भी लोग ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते हो तो मिलते किसी ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय नानी। और हमको कितना बुरा लगेगा तुम चले जाओगे तो हम तो चलो देखा लगेगा हमको। चलो ठीक है, अब बाय कर दी जाए। बाकी क्या कह सकते हैं बेटा, फोन करना। ठीक है, फिर समय से आ जाना खेलने को। ठीक है, बाय कर दी जाए और बाय कर जाने के लिए।